रोज रोज सुबह से लेकर शाम तक वही काम करते करते हम सभी बोर हो जाते हैं और हमारे पास अपने लिए समय ही नहीं बचता है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ छाया और आपके अपने चैनल छाया रसोई में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं फिर से घर गृहस्थी के काम करने के लिए छोटे छोटे बहुत यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आई हूँ, जिससे आपका काम करना काफी आसान हो जाएगा, आपके समय भी बचेंगे और आपके ढेर सारे पैसे भी बचेंगे। तो वीडियो देखने से पहले आप प्लीज कमेंट बॉक्स में हमेशा की तरह लिखकर जरूर बता दीजिए कि आप इस चैनल का वीडियो किस सिटी या फिर किस गांव से देख रहे हैं। दोस्तों, इसी तरह से और भी ज्यादा यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज को जरूर फॉलो करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। इस तरह के सनग्लासेस हम सभी के पास होते हैं, फैमिली में जितने मेंबर होते हैं लगभग सभी के पास होते हैं, या कुछ लोगों को थोड़ा ज्यादा शौक होता है तो वो मैचिंग के भी रखे रहते हैं, कई सारे रखे रहते हैं। और इस चश्मे का कवर भी बहुत से लोगों के पास नहीं होता है, बस चश्मा निकाल कर हम यूज कर लेते हैं और कवर इधर उधर हो जाता है, तो इसको रखने में और ज्यादा प्रॉब्लम होती है। और अगर बाहर कहीं जा रहे हैं तो हर चश्मे को ले जाना काफी मुश्किल होता है क्योंकि टूटने का डर लगा रहता है, तो इसी के लिए बहुत अच्छी टिप लाई हूँ। अब जैसे डेट्स तो हम सभी के घरों में आता है, तो अगर आपके घर में भी इस तरह के डिब्बे वाला डेट्स आता है तब आप इस डिब्बे का यूज कर सकती हैं गॉगल्स को रखने के लिए। सफर में कहीं भी लेकर जाइए, कोई भी दिक्कत नहीं है, ना ही गॉगल्स टूटेंगे और ना ही एक इधर एक उधर रहेंगे, सारे गॉगल्स एक जगह रहेंगे, आप इसमें से जब भी चाहे निकाल कर लगा सकती हैं। तो इसमें क्या करेंगे, पहले हम एक ऐसे रखेंगे और फिर दूसरे को लेंगे, ऐसे हल्का सा इसको उठाएंगे और इसमें इस तरह से रखेंगे। ये देखिए, इसमें ये फिट हो गया ना। अब तीसरे को लेंगे, इसको इसमें ऐसे फिट करेंगे और अब इसको लेंगे। ये देखिए, तो एक डिब्बे में यहाँ पर चार गॉगल्स आ गए हैं, ये बड़े साइज के हैं, चार आ गए हैं। अगर आपके थोड़े छोटे साइज के गॉगल्स हैं तो हो सकता है कि आठ भी आ जाए, और नहीं भी आ रहा है तो आप इसी डिब्बे में चाहे तो यहाँ पर थोड़ा सा कॉटन लगा दीजिए, यहाँ पर साइड में चार्जर रख दीजिए, हेडफोन रख दीजिए, या फिर स्मार्ट वॉच है, कोई भी वॉच है उसको भी रख सकती हैं, और फिर इस डिब्बे को अच्छे से बंद कर दीजिए। ये डिब्बा बहुत अच्छे से बंद हो जाता है, लॉक हो जाता है, काफी मजबूत होता है। अब फिर आप इसको अपने बैग में या फिर जहां भी जिस भी चीज में आप बाकी के कपड़े ले जा रही हैं उसी में अच्छे से रख दीजिए, आपके सारे गॉगल्स एकदम सेफ रहेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ना ही टूटेंगे ना ही स्क्रैच पड़ेंगे। मार्केट से हम बढ़िया से देख कर छाट कर आलू लाते हैं और घर में लाते हैं, इसको एक सप्ताह के लिए ही रख देते हैं, तो देखते हैं छोटा छोटा अंकुर निकल आया है जो समय के साथ साथ धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। तो ऐसा कहा जाता है कि अगर आलू में अंकुर निकल जाए तो उस आलू को खाना नहीं चाहिए, वो काफी नुकसानदेह होता है। तो आज मैं बहुत अच्छी टिप लाई हूँ कि अगर आप आलू को इसी तरह से रख देंगे तो ना तो उसमें अंकुर निकलेगा और ना ही आलू सूखेगा। तो इसके लिए बस हमें चाहिए इस तरह के गत्ते का डिब्बा, कोई भी गत्ते का जिसमें फल आता है या फिर कोई सामान आता है उसको भी आप ले सकते हैं, या घर में बहुत सारी छोटी छोटी चीजें इस तरह के डिब्बे में आती हैं तो उसको भी ले सकती हैं, कुछ नहीं है तो जूता चप्पल का जो आता है डिब्बा उसको भी ले सकते हैं। तो आलू को हम इसमें स्टोर करके रखेंगे। तो इसको रखने के लिए भी डायरेक्ट हम इस डिब्बे में नहीं रखेंगे, पहले लेंगे कोई भी पुराना न्यूज़पेपर और इसके इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे, चाहे तो हाथ से ऐसे फाड़ कर कर लीजिए और चाहे तो कैंची की मदद से कट कर लीजिए। अब इसमें हम आलू रखेंगे। तो अगर इसमें आपको और आलू रखना है तो ऊपर से छोटे छोटे न्यूज़पेपर के टुकड़े रख दीजिए, फिर से और आलू रख दीजिए। तो मैं बस इतना ही आलू रख रही हूँ। तो इस तरह से जब हम इसके साथ न्यूज़पेपर रख देंगे तो न्यूज़पेपर आलू का जो मॉइस्चर होता है वो सोख करेगा, और जिसकी वजह से ना तो आलू सूखेगा और ना ही इसमें अंकुर निकलेगा। और इस तरह से अगर हम गत्ते के डिब्बे में रखते हैं तो ये भी काफी मॉइस्चर सोख करता है। तो आलू रखने के लिए कोशिश कीजिए कि इसी तरह से रखिए, तो आपका आलू भी लंबे समय तक स्टोर रहेगा। अब चलिए नेक्स्ट टिप देख लेते हैं। अक्सर हम दाल बनाते हैं तो देखते हैं कि दाल में जो हल्दी डालते हैं वो हल्दी कुकर के या फिर कुकर के ढक्कन के साइड्स में इस तरह से दाग लग जाता है, जिसको हम कितना भी साफ करते हैं अच्छे से साफ नहीं होता। तो इस कुकर के ढक्कन को देखिए कितने अच्छे से मैं साफ की हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत दाग इसमें रह गया है, बहुत अच्छे से साफ नहीं हुआ है। तो आज मैं बहुत आसान तरीका बता रही हूँ जिससे आपके कुकर में भी अगर दाल का या फिर सब्जी का इस तरह का दाग लग चुका है तो उसको बहुत आसानी से साफ कर सकती हैं।
इसके लिए हमें चाहिए टूथपेस्ट। कोई भी टूथपेस्ट आप ले लीजिए जो आपके घर में यूज होता है, और इस तरह से हल्का हल्का लगा दीजिए। जहाँ पर दाग धब्बा है ऐसे हल्का हल्का लगा दीजिए। पेस्ट लगाने में दिक्कत हो रही है तो यहाँ पर थोड़ा सा पानी भी डाल सकती हैं इस तरह से। अब पेस्ट लगाने के बाद थोड़ा सा बेकिंग सोडा लेंगे, यानी कि खाने वाला सोडा, और मीठा सोडा भी इसको बोला जाता है। अब लेंगे नींबू का छोटा सा टुकड़ा, नींबू का छिलका है तो वो भी चलेगा। तो यहाँ पर मैं छोटा सा टुकड़ा ली हूँ। अब इससे हम ये जो मीठा सोडा है और पेस्ट है सब अच्छे से रब करेंगे, नींबू के छिलके से या फिर नींबू के छोटे से टुकड़े से इस तरह से रब करेंगे। जहाँ जहाँ पर हल्दी का दाग लगा हुआ है खूब बढ़िया से वहाँ पर इसको हल्के हाथ से ही रब कर देंगे। इस तरह से हम इसको लगा देंगे और अब छोड़ देंगे करीब 5 मिनट के लिए। करीब 5 मिनट बाद हम लेंगे ग्रीन स्क्रबर और इसको इस तरह से रब करते हुए साफ करेंगे। तो ये देखिए कितने अच्छे से ये साफ हो चुका है। अब मैं धुलकर दिखा दे रही हूँ। तो ये देखिए कितने बढ़िया से ये साफ हो चुका है। इसमें कितना ज्यादा पीला पीला दाग लगा था और अभी देख पा रही हूँ कि एकदम बढ़िया से चमक गया है। अगर आपका प्रेशर कुकर या प्रेशर कुकर का लिड बहुत ज्यादा पीला हो चुका है तब आप इस प्रोसेस को 2 या 3 बार कर लीजिएगा तो और अच्छे से साफ हो जाएगा। क्योंकि मेरा हल्का था तो बस थोड़े में ही बहुत अच्छे से साफ हो चुका है। तो है ना कमाल की टिप, इस टिप को आप भी जरूर अपनाएं। अब चलिए नेक्स्ट टिप देख लेते हैं। हमें चाहिए नारियल का ये जो आगे वाला भाग होता है ना, ताजा नारियल हम मार्केट से लाते हैं तो जो इसका जटा वाला भाग होता है इसको हम रख लेंगे। इसका यूज हम बहुत अच्छी चीज में करेंगे। तो जटे वाले भाग को पहले हम कट करके निकाल लेंगे। तो इस तरह से हम इसको कट करके निकाल लेंगे। ये देखिए बहुत ज्यादा की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा ही हमें चाहिए। अब इसको इस तरह से हम खोलेंगे, अच्छे से साफ कर लेंगे क्योंकि इसमें बहुत बारीक बारीक डस्ट जैसा होता है। तो अच्छे से इसको पहले हम खोल देंगे जिससे कि जितनी भी गंदगी है डस्ट है सब पूरी तरह से निकल जाए, सिर्फ इसका ये रेशा ही बचे। अब इसको इकट्ठा कर लेंगे। अब इसको अच्छे से साफ करने के बाद हमें चाहिए कोई चम्मच, आप चाहे तो स्टील का चम्मच ले लीजिए या तो फिर इस तरह का जो वुडन चम्मच आता है इसको भी ले सकते हैं। तो इसको यहाँ पर ऐसे लगाएंगे इस तरह से करके और इसको हल्का सा ऐसे ढक देंगे। ये देखिए पूरा नहीं, चम्मच को पूरा नीचे तक यहाँ तक नहीं लाना है, बस यहीं पर ऐसे किनारी पर ही थोड़ा सा लगाना है। अब धागे से अच्छे से इसको बांध देंगे और इसको हमें धागे से ही बांधना है, अच्छे से इसको मजबूत करके बांध देंगे। अब इसका जो एक्स्ट्रा धागा है पहले इसको कट करके निकाल देंगे और इसको भी इधर से बढ़िया से बराबर कर देंगे। तो ये हमारा बनकर तैयार हो गया है ब्रश। इसका यूज हम कहाँ पर करेंगे अभी मैं वीडियो में आपको आगे दिखा रही हूँ। अगर हम मार्केट से ब्रश लेकर आते हैं इसी तरह का तो वो महंगा मिलता है, ये फ्री में बना है। और कुछ दिन आप इसका यूज कीजिए, जब ये खराब हो जाए तो फेंक दीजिए और दूसरा इसी तरह से बना लीजिए। अब इसका यूज हम करेंगे रोटी या पराठे में घी या ऑयल लगाने के लिए। इस तरह से इस ब्रश से जब हम ऑयल लगाएंगे या घी लगाएंगे तो बहुत कम घी या ऑयल लगेगा, क्योंकि आजकल सभी लोग घी या ऑयल का यूज कम करना चाहते हैं। तो इससे ऑयल या घी भी बहुत कम कम लगेगा और इसमें हमारा 1 भी रुपया खर्चा नहीं हुआ है, फ्री में आप इसको बनाकर तैयार कर सकती हैं। इस तरह के चांदी का चैन काफी लोग पहनना पसंद करते हैं, खासकर लड़के होते हैं तो उनको ये चैन पहनना ज्यादा पसंद आता है। तो चांदी का चैन पहनते हैं और कहीं पर ऐसी जगह जाते हैं जहाँ का पानी नहीं सही है, खारा पानी है, वहाँ पर ये चैन काला पड़ जाता है। या फिर किसी किसी का पसीना ही काफी खारा होता है जिसकी वजह से भी चैन काला पड़ जाता है। तो ये देखिए ये मेरे बेटे का चैन है, तो अभी वो वृंदावन गया था तो वहाँ का पानी काफी खारा था जिसकी वजह से ये चैन भी देखिए काला हो गया है। और ये हनुमान जी का गदा है, ये भी देखिए एकदम काला हो चुका है। तो इसको मैं बहुत आसानी से और बहुत अच्छे से साफ करने का तरीका आपको बताऊंगी। आप चाहे तो इसी तरह से चांदी की कोई भी ज्वेलरी है, पायल है, बिछिया है, या जो भी आपके यहाँ चांदी की ज्वेलरी है उसको बहुत आसानी से साफ कर सकती हैं। तो इसके लिए लेंगे कोई भी पुराना ब्रश जिसका आप यूज नहीं करती हैं, वो ब्रश ले लीजिए और इसमें लगा लीजिए कोई भी टूथपेस्ट, जो आपके घर में टूथपेस्ट हो उसी को लगा लीजिए। अब पुराने ब्रश और टूथपेस्ट की मदद से हम इसको बहुत अच्छे से साफ करेंगे।
तो ब्रश से जब हम इसको इस तरह से रब करेंगे तो आपकी ज्वेलरी में जो भी डिजाइन है, नक्काशी है, वो सब बहुत अच्छे से साफ हो जाएगी। तो ब्रश से इस तरह से हल्का हल्का हम इसको रब करेंगे। और किसी किसी लेडीज का देखिए पायल भी बहुत ज्यादा काला हो जाता है, क्योंकि पसीना किसी किसी का खारा होता है जिसकी वजह से काला हो जाता है। तो आप पायल या फिर बिछिए को या फिर सिल्वर की कोई भी ज्वेलरी हो गई, इसी तरह टूथपेस्ट से साफ कर सकती हैं। तो बहुत अच्छे से ये साफ हो चुका है, अब मैं धुलकर दिखा रही हूं। ये देखिए पहले ये कितना काला था और अभी देखिए एकदम नए जैसा चमकने लगा है। ये देखिए हनुमान जी का गदा भी एकदम बढ़िया से चमकने लगा है। तो इस तरह से किसी भी तरह की सिल्वर की ज्वेलरी हो, आप फटाफट टूथपेस्ट लगाइए और साफ कर लीजिए। कितना भी गंदा हो, काला हो, बहुत अच्छे से साफ हो जाता है। तो दोस्तों, आपको इसमें से कौन सी टिप ज्यादा पसंद आई और कौन सी पहले से पता थी, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और हमारी यूट्यूब फैमिली में शामिल होने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।